का कोई सेंटर होगा, ये स्फीयर का सेंटर हो गया, और ये जो सेंटर हो गया स्फीयर का, इसको तो हम बोल देते हैं सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पूरा रेडियस हो गया, इस रेडियस के आधे को हम बोल देते हैं एफ, यानी कि फोकस। और फोकस से, और ये जो मिरर का सेंट्रल पोर्शन है जिसको पोल बोलते हैं, तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाती है फोकल लेंथ। अब आप ये देखिए, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में तो कहीं कर्व बन ही नहीं रहा है। जब कहीं कर्व बन ही नहीं रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें सर्कल कितना बड़ा बनेगा। तो हम ये कहेंगे इसमें सर्कल बनेगा इनफाइनाइट रेडियस का, ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनेगा। तो जब इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बन गया, तो इन्फिनिटी का आधा जो है वो भी तो इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, ठीक। ये आपको समझने की बात हो गई, जो समझा दिया। बाकी सीधा सीधा याद रखना, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और प्लेन मिरर की पावर जीरो, ठीक है। सुना होगा कि जब हम नॉर्मल किसी ग्लास की बात करते हैं, तो उसकी भी फोकल लेंथ जीरो ही होती है, जिसको हम कह देते हैं कि जीरो पावर का हमने चश्मा पहन रखा है, ठीक। और पावर क्या होती है, वन अपॉन फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, तो क्योंकि वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि वन अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो होगा। वन अपॉन इन्फिनिटी तो डिपेंड तो डिपेंड करता है ना उसका फोकस कितना है, सबका सेम क्यों होगा। वाह, कमाल है, फिर तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सबका फोकस सेम। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। एक वो भी तो है, वो जो मतलब आप देखते होंगे किसी ज्वेलरी शॉप में अगर गए होंगे, तो वहां पर जो वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, वो कैसा होता है ग्लास, देखा है कभी, कितना बड़ा होता है। अच्छा, मैंने तो कुछ अलग देखा है, ये आँख है ना हमारी, ये आँख है ना, इतने में ही उसको फिट कर लेते हैं ऐसे करके, आँख को हल्का सा यूं दबा लेते हैं और वो यहीं चिपक जाता है, और उसी से देख लेते हैं, लेफ्ट में राइट में कहीं पर भी गोल सा होता है, उसको ऐसे रख लेते हैं, वो लगा हुआ दिखाई देता रहता है, यहाँ पर पूरा बड़ा सा होता है। नहीं, लाइफ टाइम नहीं, जब तक, पागल क्या बात, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब वो काम करता है ना, उस पर गोल्ड का कोई भी काम करते हैं उस पर, किसी भी तरीके का, तो तब वो लगा लेते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन नोट करना। अच्छा, एक चीज सभी को पता ही होगी, जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई भी छोड़कर मत आना, समझ गए ना, छोड़कर मत आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे, मान लो आपने क्वेश्चन करे, मान लो 40 आपको क्वेश्चन करने हैं, मान लो आपके 35 क्वेश्चन आते हैं आपको, या मान लो 30 आते हैं, तो बाकी के जो 10 हैं, उन बाकी के 10 में जो मतलब तुक्के भी ऐसे नहीं कि कुछ भी, कि बस इधर उधर ऐसे आंख घुमाई कि जहां रुक जाएगा वहीं जय माता दी, है ना, बस वो मत कर देना। तो ध्यान रखना उस चीज का, ठीक। तो हिसाब लगाकर कुछ सोच कर, और तब कायदे से करना। अच्छा, इसकी प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन वन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। वो अभी फोकस मैंने पावर बताई थी, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, और मैग्निफिकेशन इसका वन ही होगा प्लेन मिरर का। क्या है, एक मिनट, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, हाँ, रियल एंड सेम साइज, हाँ ठीक है, क्वेश्चन दिखाओ क्या है, एम इज इक्वल टू प्लस वन दे रखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज प्लस वन, व्हाट डज दिस मीन, इट शोज दैट द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल एंड सेम साइज। अगर रियल है तो ना, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस वन बनेगा, माइनस वन होगा, द पॉजिटिव साइन शोज दैट द, करवाता हूँ ये वाला,
क्वेश्चन नोट करें, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज प्लस वन, व्हाट डज दिस मीन? What does this mean? Option A, it shows that the image formed by the concave mirror is real and same size. Option B, the positive sign shows that the image formed is real and erect. Option C. It shows that the image formed by the convex mirror convex mirror is virtual and same size. Option D, it shows that the image formed by the plane mirror is of the same size as that of the object. आंसर तो यही है, पता नहीं. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? वैसे तो हम मिरर की अगर बात करें तो माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है, लेकिन एच टू अपॉन एच वन भी तो होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जैसे ये यहां पर बात कर रहे हैं, इट शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल और सेम साइज वाली. हम ये बोलते हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ठीक है, तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और वो सेम साइज की बनती है. लेकिन होती कैसी है? इन्वर्टेड, उल्टी होती है. तो उल्टी होने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ए पार्ट में इमेज का साइज वो भी एक्स है लेकिन माइनस एक्स, क्योंकि इमेज जो है वो उल्टी है. तो नीचे की तरफ जाकर मेजर करते हैं हाइट को तो नेगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट का साइज एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो माइनस वन आ गया.
ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, हमें चाहिए मैग्निफिकेशन प्लस वन। ऑप्शन बी में है द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इरेक्ट। ऑप्शन बी वैसे ही गलत है, क्यों? क्योंकि रियल जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इरेक्ट हो ही नहीं सकती, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होती है। ऑप्शन सी है इट शोज दैट द इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड सेम साइज। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल तो बनती है इमेज, लेकिन कभी भी सेम साइज की नहीं बनती, ना बड़ी बनती, हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, तो इस वजह से सी भी गलत हो गया। और प्लेन मिरर का हमें पता है कि प्लेन मिरर में हमेशा इमेज सीधी बनती है। भाई प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो हम सीधे ही तो दिखते हैं, उल्टे थोड़ी दिखाई देते हैं। बताओ कभी ऐसा हुआ है कि पैर ऊपर दिखाई दे रहे और सर नीचे? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठीक, तो हाँ, पता चले किसी दिन कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, हाँ, और तुम सुबह उठकर स्कूल जाने की तैयारी में लगो और देखो तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा नजर आ रहा है, खुद को भी उल्टा ही देख रहे हो। पता चला चश्मा लगाना चेहरे पर था, लगा लिया पैरों पर। चलिए जी, तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लीजिए क्या बस और क्या करेंगे इसमें? अरे नहीं नहीं बताओ, अगर करना है तो कुछ है तो करवाता हूँ, नहीं तो छोड़ो फिर, है ना? दस ही मिनट बच रहे हैं क्या? झूठ तो नहीं बोल रहा है? बताइए, आपके लिए भी 15 ही मिनट बचे हुए, बताइए कुछ करना है तो मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ इसमें रिफ्रैक्शन के, रिफ्लेक्शन के, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस के, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, इसके कोई भी डाउट्स हो तो बताइए, बायो आपकी कल करवाऊंगा। ठीक है फिर जाओ, वो सीधे घर ही जाना। हाँ, मतलब फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास। दो तीन दिन पहले आया था, मुझे पता किसने आया था, ज़्यादा लेट हो गया था। भाई आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक दो बच्चों ने बता रखा है जो जो उनके डाउट्स हैं, तो वो मैं डाउट्स कल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी।